स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से वेलकम। देखिएगा, हमारा टॉपिक चल रहा था पावर एंड एक्सपोनेंट। क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, 81 की पावर माइनस 4 डिवाइड 729 की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 की पावर 4x। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो देखिएगा बेटा, इसको कैसे करना है। देखो 81 है हमारे पास, 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 इंटू 9 81 होता है, तो मैंने इसको 9 का स्क्वायर लिख दिया और पावर माइनस 4 डिवाइड 729 जो होता है वो 9 इंटू 9 इंटू 9 होता है, तो 9 की पावर मैं 3 लिख सकता हूँ 729 को, 9 की पावर 3 मैंने 729 को लिख दिया और पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 की पावर 4x। अब देखो बेटा, पावर की पावर मैंने कहा था आपको मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4 डिवाइड 9 की पावर 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 4x। अब देखना बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 की पावर माइनस 8 ये कैसे आया। देखो 3 2 जा 6 और 3 को x से करेंगे तो 3x, 9 की पावर 2 4 जा 8, 9 की पावर माइनस 8 डिवाइड 9 की पावर 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 9 की पावर 4x। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड है तो अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी। मैंने आपको लिखवाया था, देखो मैंने साइड में लिख भी दिया है, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पे a की पावर m प्लस n हो जाता है ना। तो देखो बेस सेम लिख दिया, माइनस 8 माइनस और ये पावर इज इक्वल टू 9 की पावर 4x। मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 की पावर माइनस 8 माइनस 6 प्लस 3x इज इक्वल टू 9 की पावर 4x। अब मैं क्या करूँगा, देखो 9 की पावर माइनस 6 और माइनस 8 को प्लस कर दूंगा, माइनस का 14 प्लस 3x इज इक्वल टू 9 की पावर 4x। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करूँगा तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। कल बताया था मैंने आपको k की वैल्यू फाइंड की थी तब, तो माइनस 14 प्लस 3x इज इक्वल टू 4x। इसको इधर भेज दो तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस 14। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।